ब्यूटीफुल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ अजवा आइसक्रीम। सो गाइस, आज मेरी मामा यूनिक टाइप का रायता बना रही हैं। ये पोटैटो रायता है। तो मेरी मामा ने सबसे पहले पोटैटो को अच्छी तरह से वॉश करके इनको बॉयल कर लिया है। तो अब हमें इसे क्यूब की शेप में कट करना है। तो चलिए इसको कट करते हैं। तो अब हम अपने हैंड वॉश कर लेंगे। इसे काटते हैं। क्योंकि बॉईल हो गई तो थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई, हमें इस शेप में काटना है छोटे छोटे से। ठीक है? हाँ बच्चे। सो ये इस तरह काटने हैं। प्लीज गुड जॉब। साथ साथ बातें भी करते जाओ, अपना अपनी स्टडी का बताओ, स्कूल का बताओ, अपनी क्लास का बताओ बच्चे। अब तो मेरे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। यस, कुछ एग्जाम? मिडटर्म। यस, आप सब दुआ कीजिएगा कि मेरे पेपर अच्छे हों इंशाल्लाह। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? आपकी स्टडी, आपकी मेहनत। आपने खुद हार्ड वर्किंग करनी है, दुआएं तो लगती हैं, लेकिन साथ आपने खुद भी अच्छा अच्छा पढ़ना है मेरा बेटा। सो गाइस, मुझे तो कुकिंग करने में बहुत मज़ा आता है। अगर आपको भी आता है आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए। आज वो कुकिंग से ज़्यादा किस में मज़ा आता है? कटिंग करने में जी। शी लव्स कटिंग ना। अभी तो माशाल्लाह, चलो 10 ईयर की होगी। जब अजवा छोटी सी थी, आई थिंक 3 ईयर की, तब से अजवा कहती थी मम्मा गिव मी नाइफ। सो अजवा को उस टाइम से कटिंग का बहुत ज़्यादा अजवा को है। उस टाइम से इनकी वीडियोज़ आप देख सकते हैं, तो छोटी सी होंगी वहाँ ये कटिंग कर रही हैं माशाल्लाह वेजिटेबल्स। आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से काटती हैं। सो गाइस, आप के साथ मैं एक न्यू वीडियो शेयर करूँगी। आई एम सो एक्साइटेड फॉर डैट, जो कि है सरप्राइज। मैं आप लोगों को उसी वीडियो में बताऊँगी। सो गाइस, अभी मैं इसकी कटिंग कर लूँ सारे पोटैटोस की, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। गाइस, हमने पोटैटो को कट कर लिया है। तो अब हम कुछ और वेजेस को कट करेंगे, जैसे कि अनियन, कुकम्बर एंड कैरेट। तो पहले हम इसे इस बाउल में डाल देंगे। हमने इसमें पोटैटो डालने हैं। अब हम कैरेट को कट करेंगे। कुछ बारीक क्यूब तो काट। इस तरह अजवा जो है बाकी कैरेट कट करके फिर आपसे मिलती है। ठीक है, ओके। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। हमने कैरेट कट कर ली है, तो अब हम इसको ऐड कर देंगे। मेक श्योर कि आप सारी वेजेस को बारीक बारीक काटिएगा, मटन के लिए काटिएगा। अच्छा, जैसे कि आप देख रहे हैं, अब इसमें हमने कैरेट पोटैटो मिक्स किए हैं। इसके अलावा अगर आपके पास जो भी वेजिटेबल आपके पास घर में अवेलेबल हो, कैबेज, क्यूकम्बर, जो कुछ हो आपके पास जो आपको अच्छा लगे, अनियन आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज अजवा जो है कैरेट लाइक करती है, तो अजवा इसमें कैरेट की कटिंग कर रही है, सॉरी क्यूकम्बर की। मैंने उसको बारीक बारीक कट कर लिया है। अब इसके अब छोटे छोटे क्यूब्स काटेंगे। बी केयरफुल शेफ अजवा, बी केयरफुल। सो
सब हमने कुकम्बर काट लिया है। वेरी गुड। अब हम इसे क्यूब वेजेस में ऐड कर देंगे। असल में हम फ्रूट चाट बना रहे हैं लेकिन ये वेजिटेबल चाट अच्छी लग रही है। क्यों डिफरेंट कलर्स? यस नाउ अब हम लास्ट वेज अनियन काटेंगे। ओके सो गाइस अब हम अनियन काट के आप लोगों से मिलते हैं। साथ ही मम्मा क्या कर रही है? इसकी वॉइस आई मशीन की। एक वक्त में कितने काम होते हैं, सबका यही हाल होगा, सब खवातीन का। अनियन को इसमें ऐड कर देंगे। सो ये सारे वेजेस हमने डाल दिए हैं। अब इसमें जो आप क्या ऐड करोगे बच्चे? थोड़ा सा मिल्क? नो इसमें आप इसमें वेज में क्या ऐड करेंगी? सॉल्ट? यस गुड। आप लोग हसबी जायका सॉल्ट डाल सकते हैं। यस हम कितना डालेंगे? पिंच लिटिल मोर। यस टू पिंच डाल देंगे। यस गुड। ये चाट मसाला है। यस हम चाट मसाला इतना काफ़ी है ना क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा वरना। आपको बेटा सीखना है। यस आप इसको आपको खुद क्वांटिटी का पता चलेगा। नाउ मिक्स इट। यस गुड जॉब। क्यूमिन सीड भी लें बेटा? क्यूमिन सीड काट कर दैट्स इट। अब हम इसमें थोड़ी सी रेड चिली डालेंगे। इतनी सी काफ़ी? जी जी बहुत ही बेटा, वो नहीं डालना। ठीक अगर खाने का नहीं होगा जो स्पाइसी हो जाएगा। ये हम थोड़े से इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे। बस 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 इसमें क्यूमिन सीड डालेंगे। क्यूमिन सीड हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, इससे फूड जल्दी डाइजेस्ट होता है। आप लोग 1 टीस्पून डाल दें। सो गाइस अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यस चलिए अब इसका थोड़े के लिए रखते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। सो ये है मिल्क। हमें कितना मिल्क है? 1 कप। सो 1 कप मिल्क है। हम इसमें डालेंगे योगर्ट। ये योगर्ट आई थिंक 1/2। सो हम इसमें योगर्ट डाल देंगे। गाइस जैसे हमने योगर्ट को और मिल्क को मिक्स किया था तब हम इसमें डालेंगे। बस बस बेटा सब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे मिक्स करेंगे। इसके ऊपर ग्रीन चिली और कोरिएंडर थोड़ा सा डालें गार्निश के लिए। सो गाइस अब हम इसे कोरिएंडर मिंट एंड ग्रीन चिली से गार्निश करेंगे। थोड़े से
सेकंड तो लीफ सीधा करो ना बेटा, जैसे दो सीधे हैं ना लीफ। कौन सा? ये दो, ये सही है, ये सीधा है, ये इधर वाला, ये हाँ इसको सीधा रखें। इट्स ओके, सीधा रखते हैं इसको, ये वाला इधर वाला नहीं, ये सही है, ये वाला उल्टा है। यस ओके। Yes, now done. So, ये मेरा जी अजवा ने बनाया है, पोटैटो रायता रेडी हो गया। आप बताएंगे कमेंट्स करके अजवा को, यस कि कैसा बना है। मेरी बाकी रेसिपीज को भी देखें, मेरी सारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।